Hello guys, welcome back to our IT Mentor channel. I hope you all are doing well. And today's video is gonna be about lecture number 3. So let's get right into the video. आज का हमारा लेक्चर नंबर है 3. आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ये कौन से हैं और इसका क्या काम है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. CPU, CPU stand for Central Processing Unit. CPU जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट है. प्रोसेसिंग का जो भी काम होता है वो CPU करता है. अब प्रोसेसिंग क्या है, अगर आपने हमारा लेक्चर 2 नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रोसेसिंग क्या है. कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो सीपीयू परफॉर्म करता है, इसलिए हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. जैसे इंसान का ब्रेन होता है, इंसान को कंट्रोल करने वाला ब्रेन ही होता है. हम जो भी काम करते हैं हमें कौन बताता है, ब्रेन बताता है. इसलिए कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं हम, जो भी कंप्यूटर में स्पेसिफिक टास्क जो भी होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है. अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू कौन से हैं, अब उनके बारे में समझेंगे. ALU, CU, रजिस्टर. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. हम कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ALU करता है. जैसे आपकी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये कौन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ALU करता है. ALU को हम दो यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, AU और दूसरा LU. AU अर्थमेटिक यूनिट, LU लॉजिक यूनिट. AU में आपके जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं. LU में लॉजिकल ऑपरेशन हम जो भी करते हैं, और हो गया, एंड हो गया, वो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. व्हाट इज CU? पहले हम जानेंगे कि CU का फुल फॉर्म क्या है. CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट. ये CPU का एक मेन कंपोनेंट है, क्योंकि हमने CPU की डेफिनेशन में पढ़ा था कि CPU क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है. लेकिन उसमें कंपोनेंट होता है CU, वो ही कंट्रोल करने वाला होता है. इट कंट्रोल्स ऑल दी हार्डवेयर ऑपरेशंस ऑन एनी कंप्यूटर. जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, हम जो भी ऑपरेशन करते हैं कंप्यूटर में उन सब को कंट्रोल करने वाला CU ही होता है, और ये CPU का मेन कंपोनेंट है. व्हाट इज रजिस्टर? ये भी CPU का एक मेन कंपोनेंट है. इसका काम क्या होता है कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर डेटा को स्टोर करता है और डेटा को ट्रांसफर करता है. आप डेटा का जो भी सेंडिंग और रिसीविंग का काम होता है वो रजिस्टर करता है. और जो साइज होती है रजिस्टर की वो बाइट्स में होती है. बेसिकली बाइट्स वो मेमोरी में यूज होता है. बाइट्स का जो इस्तेमाल यूनिट है वो बिट है, जो मेमोरी का यूनिट है. जो रजिस्टर क्या करता है कि हमारा जो भी करेक्टर होता है डेटा का, उसको स्टोर करता है बाइट में. कभी यूज होते हैं CPU में, उसको आप दूसरा नाम ये कह सकते हैं, ये प्रोसेसर रजिस्टर है. हम रजिस्टर का दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं, ये प्रोसेसर रजिस्टर है. दूसरा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है वो है मॉनिटर. अब हम समझेंगे कि मॉनिटर क्या है और इसका काम क्या होता है. बेसिकली मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है. आप जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में वो आप मॉनिटर पर देख सकते हैं. चाहे आप कोई टेक्स्ट लिखना हो, आपको मूवीज देखनी हो, या आपको पिक्चर्स देखनी हो, तो आप कहाँ देख सकते हैं, वो आप मॉनिटर में देख सकते हैं. इसलिए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है. इसका काम ये होता है कि ये टीवी लाइक स्क्रीन होती है जहाँ हम जो भी काम करते हैं वो देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ मॉनिटर जो है वो 3 है, CRT, LCD, LED. CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड. अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं तो आपको जो मॉनिटर मिलता था वो CRT होता था. लेकिन आजकल जो CRT से हम तरक्की करके आगे चले गए हैं, आजकल हम जो मॉनिटर बेसिकली यूज होते हैं वो होते हैं LCD और LED. अब हम देखेंगे CRT और LCD और LED में क्या डिफरेंस है. CRT जो होती थी उसमें पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी एज कम्पेयर टू LCD और LED. उसकी रेजोल्यूशन भी अच्छा नहीं था, इसलिए हम आगे फॉरवर्ड होकर LCD और LED में चले गए. LCD और LED में आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इनका फ़र्क क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा. जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो LED की अच्छी होती है एज कम्पेयर टू LCD की, और ये लेस पावर कंज्यूमर होता है एज कम्पेयर टू LED. देखेंगे CRT, LCD और LED का. CRT, अगर हम CRT का डिफरेंस देखें LCD और LED के, तो CRT में जो पिक्चर क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और रेजोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था. इसलिए हमने CRT से तरक्की करके LCD और LED में चले गए.
LCD और LED में ये फ़र्क है कि LED की जो पिक्चर क्वालिटी वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू LCD से, और ये मोर इफ़िशेंट होता है, लेस कंज्यूम पावर करता है एज़ कम्पेयर टू LCD। और आपको पता है जो चीज़ अच्छी होती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, वो महंगी भी तो होगी। तो अगर देखा जाए कि LCD और LED में कौन सी चीज़ एक्सपेंसिव है, कौन सी TV एक्सपेंसिव है, कौन सा मॉनिटर एक्सपेंसिव है, तो LED मोस्ट एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू LCD। जरी सी बात है, इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है और रेजोल्यूशन भी इसका अच्छा है, इसमें हम मूवीज अच्छी तरह से देख सकते हैं एज कम्पेयर टू LCD। आज का लेक्चर हुआ हमारा इख्तिताम पजीर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लेकिन अगर कोई आपको क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो कमेंट भी करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें।